पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दो दिन पहला एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग मामले के विच मुख्य हमलावर शार्प शूटर नोनू नू काबू कर लिया है। देर रात ए ऑपरेशन किया गया सी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ तो ते मोहाली के बलौंगी एरिया तो इस नू काबू किया गया। तो दस दिए कि दो दिन पहला सैक्टर 79 एक नामी सिंगर के रेस्टोरेंट के बाहर करीब डेढ़ बजे फायरिंग की गई सी जिदी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी। हालांकि कल एक होर मुठभेड़ हुई है हरियाणा पुलिस की एसटीएफ की, उसके विच फिरोज खान नाम का जो शार्प शूटर है वह हरियाणा पुलिस ने काबू किया, वह भी फायरिंग जी रेस्टोरेंट च हुई है वह शामिल है। तो कल रात को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोड़ा नोनू काबू किया वह भी इस फायरिंग मामले के शामिल सगा जिदे को वैपनस भी रिकवर किए गए हैं। हालांकि हूं तक की पुलिस इन्वैसटीगेशन च पुलिस ने जी जानकारी दी है वैपनस उसनू गैंगस्टर ने प्रोवाइड कराए थे, क्यों कराए सी, मकसद की सी, हुन सारी चीजा नू लैके लगातार पुलिस इहदे विच पुछगिछ कर रही है। और इहदे विच कई वड्डे खुलासे हो रहे ने कि पहला पूरी रैकी की गई, रैकी करन तो बाद जिहड़े भी शार्प शूटर सी उत्थे पहुंचदे हैं, पहुंचण तो बाद काफी देर इंतजार करदे और उस तो बाद फायरिंग करके उत्थों फरार हो जाते हैं। वैपनस रिकवर किए गए ने और पुछगिछ कई चीजा का खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि विदेश च बैठे गैंगस्टर ने उन्होंने ये टास्क दिता सीगा कि फायरिंग करनी है और उस तो बाद उत्थों फरार हो गए। हालांकि हुण पंजाब पुलिस लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है, होर कौन कौन शामिल सीगा, कित्थों इन्होंने लॉजिस्टिक चीजा मुहैया कराई है, सारी चीजा नूं लैके हुण पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है। दूजे पासे हरियाणा पुलिस ने जिहड़ा फिरोज खान शार्प शूटर फड़िया उन्हूं भी हुण जल्द ही पंजाब पुलिस इत्थे लैके आएगी ते पुछगिछ कीती जाएगी। मोहाली तो कैमरामैन अजय कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दो दिन पहला एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग मामले के विच मुख्य हमलावर शार्प शूटर नोनू नू काबू कर लिया है। देर रात ए ऑपरेशन किया गया सी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ तो ते मोहाली के बलौंगी एरिया तो इस नू काबू किया गया। तुहानू दस दिए कि दो दिन पहला सैक्टर 79 एक नामी सिंगर के रेस्टोरेंट के बाहर करीब डेढ़ बजे फायरिंग की गई सी जिदी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी। हालांकि कल एक होर मुठभेड़ हुई है हरियाणा पुलिस की एसटीएफ की, उसके विच फिरोज खान नाम का जो शार्प शूटर है वह हरियाणा पुलिस ने काबू किया, वह भी फायरिंग जी रेस्टोरेंट च हुई है वह भी शामिल है। तो कल रात को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोड़ा नोनू काबू किया वह भी इस फायरिंग मामले के शामिल सगा जिदे को वैपनस भी रिकवर किए गए हैं। हालांकि हूं तक की पुलिस इन्वैसटीगेशन च पुलिस ने जी जानकारी दी है वैपनस उसनू गैंगस्टर ने प्रोवाइड कराए थे, क्यों कराए सी, मकसद की सी, हुण सारी चीजा नू लैके लगातार पुलिस इहदे विच पुछगिछ कर रही है। और इहदे विच कई वड्डे खुलासे हो रहे ने कि पहला पूरी रैकी कीती गई, रैकी करन तो बाद जिहड़े भी शार्प शूटर सी उत्थे पहुंचदे हैं, पहुंचण तो बाद काफी देर इंतजार करदे और उस तो बाद फायरिंग करके उत्थों फरार हो जाते हैं। वैपनस रिकवर किए गए ने और पुछगिछ कई चीजा का खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि विदेश च बैठे गैंगस्टर ने उन्होंने ये टास्क दिता सीगा कि फायरिंग करनी है और उस तो बाद उत्थों फरार हो गए। हालांकि हुण पंजाब पुलिस लगातार इहदे विच इन्वैसटीगेशन करदी नजर आ रही है, होर कौन कौन शामिल सीगा, कित्थों इन्होंने लॉजिस्टिक चीजा मुहैया कराई है, सारी चीजा नू लैके हुण पुलिस लगातार इन्वैसटीगेशन करदी नजर आ रही है। दूजे पासे हरियाणा पुलिस ने जिहड़ा फिरोज खान शार्प शूटर फड़िया उन्हूं भी हुण जल्द ही पंजाब पुलिस इत्थे लैके आएगी ते पुछगिछ कीती जाएगी। मोहाली तो कैमरामैन अजय कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।